खाई आइसक्रीम और मुझे पता क्या लगी थी, पीस वाला बिस्किट लगवा लिया है। सिस्टर को आ रहे थे चक्कर, मैंने उसको छोड़ा है अंदर थोड़ी देर के लिए कि उसकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाए। कलर के पड़ते मेरे फेस ऐसे रेड हो रहा है जैसे पता नहीं मेरे मुंह क्या लग गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते होंगे ठीक होंगे, जा रहे हैं, खुश रहे, आबाद रहे और हमारे लिए भी दुआ करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और जो मेरे चैनल पे नए हैं पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूला करें। तो व्लॉग आज का बना रही थी, मैंने भी स्टार्ट करना था कि रेहना की तबीयत खराब हो गई सुबह से, इसकी तबीयत बहुत खराब है, इसके सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो इसको पहले बोला मेडिसिन लेने चलते हैं, तो ये बोली मेडिसिन मैंने नहीं खानी, तो इसको भी पहले दम कराने के लिए लेके जाती हूँ। इधर एक औरत है उस सर के दर्द का दम करती है, तो इसको पहले दम कराने लेके जाती है, वहाँ पर इसके दम करवाते हैं। अगर इसकी तबीयत बेहतर हो गई, अल्लाह करे की बेहतर होगी, आगे की फिर आपसे शेयर करेंगे। तो चलें फिर अभी चलते हैं। सवारी तैयार हो गई हमारी, पहले हमें बाहर निकले नहीं है, सवारी आ भी गई है, रेहना सवारी आ गई हमारी। इसके ऊपर बैठ जाऊं? नहीं ना, दुआ मांगो ना हमारे चैनल तरक्की करे, तो फिर हम जो है वो अच्छी सी एक बाइक ले लें और फिर हम तुमको जो है दवाई लेने भी जहाँ भी जाना हो बाइक पे लेके जाएंगे। अच्छा, मुझे लेके जाओ। हाँ ना, मैं चलने की आदी हूँ। चलने की आदी हो, दुआ नहीं करके चलने की आदी वो तो दे अल्लाह। हाँ अल्लाह ताला दे ना, फिर तुम्हें लेके जाएंगे, हम भी घूमने जाएंगे तो हमें भी काम आ जाएगी, तुम्हारे भी काम आ जाएगी। तो अभी चलते हैं, इसकी तबीयत सही नहीं है, तो बस अभी रास्ते में पहुँच के वहाँ पे, वहाँ से जगह नहीं दिखाएंगे कि वो जगह कहाँ पे है, क्योंकि वो लेडी पर्दा करती है, वो आलमा है, वो सिर्फ सिर्फ सर का दर कदम करती है, तो वहाँ पर हम वीडियो नहीं बनाएंगे। बाकी वहाँ से वापस आके रास्ते में सिस्टर का घर है, वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। ये इतनी गर्मी में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, इतनी गर्मी में भी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, धूप इनको लग ही नहीं रही। लेकिन ना छोटे बच्चों के काम चेक करें हम, इनको नहीं धूप लग रही, वैसे काम बोल दो धूप में गर्मी है, ये है वो है, अभी क्रिकेट में तो गर्मी नहीं लग रही। बस अब हम जाने ही रहे हैं उस तरफ, पहुंच जाए। फनी तुम्हारे घर आ जाए? हाँ आ जाए, दरवाजा तो खोलो, दरवाजा तो खोलो, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा तो खोलो, आ जाए तेरे घर। हाँ तो दम वाली बाजी के पास गए थे, उसने दम तो कर दिया, लेकिन वो बोल रही थी कि दम का इतना इश्यू नहीं लग रहा, इसकी तबीयत जो है ना वैसे ख़राब है, बीपी का मसला हो सकता है, इसका जाके जो है ना वो बीपी चेक करवा लें। तो यहाँ साथ में एक क्लिनिक है हमारे घर से थोड़ा ही दूर है, तो वहाँ जाके पहले इसका बीपी चेक करवाते हैं, क्योंकि भाई जो है वो इसका तो वो तो रात को 8 बजे आएगा घर में, और कोई है नहीं, अबू इस टाइम काम पर चले जाते हैं, बड़े भाई आपको पता है रात को 3 बजे जाते हैं ड्राइविंग के लिए, वो ड्राइविंग का काम करते हैं, और वो रात को 10 बजे ही आते हैं, और नासिर भी 8 बजे आएगा, तो अम्मी तो चल नहीं सकती इतना, तो मैं और जो मेरी छोटे साथ और छोटी सिस्टर है हम जाएंगे इसको लेके, इसका बीपी चेक करवाते हैं। तो चलें सिस्टर बीपी चेक करवाने, चलें चलो करवाते हैं, इसमें तबीयत तुम्हारी ज़्यादा ख़राब हो जाए तो रात को मसला हो जाए, तो पहले इसके लिए बीपी चेक करवा के आते हैं। तो चलें आज हम, मास्क मैंने इसलिए लगाया था, या आप लोग ऐसे ना सोचें कि दोबारा से मास्क लगा लिए, क्योंकि बाहर से धूल मट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं मास्क लगाती हूँ। वैसे मैंने फेस रिलीव कर दिया, जैसे आपको पता है मैंने फेस रिलीव कर दिया, लेकिन मास्क इसलिए लगाती हूँ कि बाहर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है आजकल, यहाँ पर विलेज है, गाँव है आपको पता है, तो थ्रेशिंग वगैरह लगी हुई है, तो वहाँ की जो धूल मट्टी है उड़ उड़ के आँखों में नाक में जाती है, तो मुझे खांसी वगैरह, पहले ही मेरा गला ख़राब है आपको आपको पता है, मेरी वॉइस से भी पता चल रहा होगा, दूसरा दिन है मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए जो है बाहर आके मास्क लगाती हूँ। तो अभी चलते हैं इसका बीपी चेक करवाते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर। तो अभी जो है हम जा रहे हैं, बस क्लिनिक पे पहुँचने वाले हैं। ये ज़ैनब का स्कूल है जहाँ ज़ैनब पढ़ती है, घर से काफ़ी दूर आती है, ज़ैनब स्कूल का नाम लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, साथ में ही ना ज़ैनब का स्कूल है, बस हम पहुँचने वाले हैं। हेलो बच्चों, क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, बोलो तो सही क्या खा रहे हो? आइसक्रीम। आइसक्रीम कौन खिलाने लाया है आपको, किसके साथ आए हो? चाची के साथ आए हो। इमराना का, रियाना का बीपी चेक करवाया, इसका अभी थोड़ा सा सही है, डॉक्टर ने बोला से कुछ ठंडी चीज़ खिलाओ, तो मैं इसको आइसक्रीम वाला लेके आई हूँ, क्योंकि यहाँ करीब था, तो मैं जो है वो इसको आइसक्रीम वाला लेके आई हूँ, इसको आइसक्रीम खिलाते हैं, फिर इसका बीपी सही करते हैं, फिर घर चले, तो तबीयत सही हो जाए फिर चलेंगे। अभी इसको आइसक्रीम खिला के फिर एक इंजेक्शन लगवाना है, क्योंकि खाली पेट घर से चले और इधर कुछ और खा भी नहीं, बॉडी मुझे कुछ खाना भी नहीं है, तो आइसक्रीम खिला रहे हैं इसे, इसको आइसक्रीम खिला रहे हैं, फिर इसको इंजेक्शन लगवाते हैं और फिर घर से। आंटी को आइसक्रीम दोगे? मैं ले लूँ आपकी आइसक्रीम, ले लूँ छोटे? बोल ही नहीं रहा बच्चा, उसको उसको वो कहते आइसक्रीम मेरी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए वो मुझे दे ही नहीं रहा। क्या खा रही हो?
माशाल्लाह दो दो खाओगी। मेरी फेवरेट है ना, तो दो खाओगी। चलो बीमार होने का कुछ तो फायदा हुआ तुम्हें। मुझे जितनी आशा हो गई आइसक्रीम नहीं मिली थी। अच्छा इसलिए बीमार भी हो। इसलिए बीमार हो गई। बहाना तो नहीं है कहीं पे? नहीं डॉक्टर ने कहा ठंडी चीज खाओ, मुझे तो मिल गई बहाना एक आइसक्रीम खाने का। चलो चलो खा लो फिर, इंजेक्शन लगवाया तुम्हें। फेवरेट है। खा लो बेटा खा लो, इंजेक्शन तो तुम्हें लगेगा ही लगेगा। आइसक्रीम तो मिल जाएगी। हाँ खा लो आइसक्रीम, कितनी आइसक्रीम। मेरा दिल भी बड़ा कर रहा है लेकिन मैं खा नहीं सकती, तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने मीठा मना किया है, तो ये आप खा लो वरना मैं खा लूंगी। मूछें तो साफ कर लो अपनी। अजान इतनी छोटी है, तेरी मूछें आ गई हैं देखो, मूछें साफ कर लो फिर चले जाना घर। ये अहमद कैसा है? कलर के पड़ते हैं, मेरे फेस ऐसे रेड हो रहा है जैसे पता नहीं मेरे मुंह क्या लगा है, क्योंकि वो रेड कलर के पर्दे लगे हैं। ये बैग टेबल सारा रेड रेड है। और वो जो बच्चे थे ना वो साथ में हमारे लेडीज थी, साथ में जेंट्स हैं, वो खाली नहीं था तो लेडीज हमारे साथ बैठी हुई थी, उसके बच्चे थे तो वो मुझे आंटी बुला रहे थे तो मैंने उसकी थोड़ी सी वीडियो बना ली। अब ये जो है मुझे क्या दिया है इन्होंने, खाली कप। खुद आइसक्रीम खा ली, मुझे खाली कप दी, मुझे कुछ नहीं खिलाओगे? नहीं नहीं। क्यों? मुझे तो और चाहिए, और चाहिए इस मैडम को अभी दो कप खाने के बाद और भी चाहिए, और मेरे पास पैसे नहीं है। तेरे भाई ने मुझे सिर्फ 100 रुपया दिया। मुझे दो तीन और ला दो, दो तीन और ला दो, मेरे पास दो तीन तुम्हें खिला देना, जाके फिर सब्जी कहाँ से लेके जाएंगे? वो जो दवाई लेंगे, दवाई भी लेनी है अभी बहन, दवाई भी लेनी है, टीका लगवाना है, वही दवाई ये भी खिला दो। बोल रही मुझे इंजेक्शन लगवाओ, वही मुझे 5-6 कप आइसक्रीम भी खिला दो, तो घर जाके अम्मी को मैं क्या बोलूँगी कि इसको इंजेक्शन क्यों नहीं लगवाया? तो अभी जो है इसको लेके जाएंगे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है, यहाँ पे छोटा सा क्लिनिक है ना, तो इसको इंजेक्शन लगवाते हैं फिर चलते हैं घर। तो घर की टीवी आप शेयर करें, जो इसको मेडिसिन देंगे वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। तो अभी जो है फिलहाल हम घर जा रहे हैं, तो निकाब शिकाब लगा लो बहन, चौक से गुजरना है तो फिर अभी चलते हैं। आज ये पैसे दे के आ गई मैडम, तुम्हारा मुँह ही साफ नहीं आ रहा। जी हमारे क्लिनिक है, यहाँ से इंजेक्शन लगवा लिया है, सिस्टर को आ रहे थे चक्कर, मैंने उसको छोड़ा है अंदर थोड़ी देर के लिए कि उसकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाए, तो उसे लेके फिर घर चलते हैं। और पीछे चौक है हमारे, आपको नज़र आ रहा होगा पीछे, आप देख रहे सड़क है, ये चौक चल रहा है पीछे, मतलब यहाँ पर ही हमारा जो है ना वो शहर शुरू हो जाता है। यहाँ से क्लिनिक से आगे सारी दुकानें ही दुकानें हैं सारी, और कुछ भी लेना हो करना हो तो हमें यहाँ से जाना पड़ता है। तो अभी सिस्टर के पास चलते हैं, उनको लेते हैं फिर चलते हैं घर, और फिर घर की रूटीन भी आपसे शेयर करेंगे। ये देखिए सामने एम्बुलेंस खड़ी हुई है उधर, और अभी जो है हम जा रहे हैं। हाँ सिस्टर तबीयत कैसी है? अभी चक्कर आना बंद हुए थोड़े से? ठीक है कुछ तो बेहतर, कुछ सही है। चलो फिर अभी चलते हैं घर, ठीक है अभी घर चलते हैं, अभी हम लोग घर जा रहे हैं, तो जाके फिर आपकी तबीयत भी आपसे शेयर करेंगे। खाई आइसक्रीम, और मुझे पता क्या लगी, 20 वाला बिस्किट, 20 रुपए का बिस्किट, यही बहुत है, यही बहुत है, ये 20 का बिस्किट लगी दिया खुद, 50-50 वाली 3 आइसक्रीम खाई है, मुझे 20 का बिस्किट सेहत के लिए इतना ही बहुत है। हाँ मुझे डॉक्टर ने मना किया ना, तो अभी जब इसकी मेडिसिन ले रहे थे 20 रुपए बच गए थे, तो हमने 20 का ये बिस्किट ले लिया। अभी हम ये खाएंगे रास्ते में और जाएंगे घर। हमारे घर के करीब जो स्टेशन आपको मैं दिखाती रहती हूँ ये वो है, अब हम इसके पास से ही गुजरेंगे, स्टेशन है ये ना। बचपन में कैसे हम जाते थे स्टेशन पे, जब ईद होती थी तो हम ज़रूर जाते थे, चाहे जो मर्जी चीज़ें वीज़ें लेनी, सब चीज़ें लेनी और जाके थे स्टेशन पे खानी हमने, और सारा दिन ही स्टेशन पे रहना, शाम को घर जाते थे, वो भी अम्मी अबू डांट के बुलाते थे तब जाके, ऐसे नहीं जाते तो ऐसे भाई, अब तो चौक पे निकलना ही मुश्किल हो गया, दिल ही नहीं करता वैसे, दिल ही नहीं करता। चौक पर जा रहे थे, ये स्टेशन पास से देखे हम, ये कुटिया पहले नहीं थी जब हम छोटे थे, अभी बनी है। तो अभी बस सिस्टर की तबीयत पहले से कुछ बेहतर है, तो घर जा रहे हैं, तो घर की रूटीन भी आपसे शेयर करेंगे। और इसको डॉक्टर ने बोला इसको उल्टा लटकाओ, इसका बीपी नीचे है। उल्टा? अब मैं घर नहीं जाती। इसको घर जाके अब मैं घर नहीं जाती, तुम लोग उल्टा पंखे के साथ इसको उल्टा लटकाना है ताकि इसका बीपी नीचे आ जाए, आई हुआ बीपी, इसको मीठा खिलाना, चीनी चीनी हाँ मैं उठा नहीं सकती और चीनी इसको ज़्यादा खिला नहीं सकती, इसको मैं उल्टा रखाऊंगी, इसका बीपी लेवल पे आ जाए। देखिए तो स्टेशन है, स्टेशन पास से देखिए हम ऊपर नहीं जाएंगे, ये जेठा बुठा बोर्ड लिखा हुआ है आपको नज़र आ रहा है, तो ये जेठा बुठा का स्टेशन है, तो ऊपर नहीं जाएंगे, अभी हम घर जा रहे हैं जल्दी जल्दी भाग के, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और मुझे आके घर पर काम करने बहुत ज़्यादा, तो अभी भागते हैं हम घर, घर पहुँच के आपसे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। तो हम घर के करीब बिल्कुल पहुंच गए हैं घर के पास, तो मैंने जो है वो मास्क उतार दिया क्योंकि यहाँ पर साफ एरिया है, कोई इतनी मट्टी है, धूप वगैरह नहीं, मट्टी है पर ये नहीं उड़ नहीं रही, तो
तो अभी मैंने मास्क उठा लेती हूँ, और ट्रेन भी पीछे से आ रही है, तो पहले आपको ट्रेन दिखाते हैं। तो ट्रेन हो गई ख़त्म। मैं ना दूसरों के बच्चों पे हंस रही थी कि वो जो है ना धूप में क्रिकेट खेल रहे, मेरे के खुद के भतीजे और भांजे देखे ये क्रिकेट खेल रहे धूप में, इसके काम देख रहे। ये भाई फरूक का बेटा है, फिजा का भाई, ये खुद धूप में क्रिकेट खेल रहे। हमारे बच्चे खुद भी दूसरों पर कैसे ही कहते हैं, दूसरों पर मत हंसो, पहले अपना घर तो देख लो। तो मैं ऐसी दूसरों पर हंस रही थी, और ये जो है देखें अयान ये बॉलिंग कर रहा है। अयान धूप नहीं लग रही तुम्हें? हाँ भाई क्या हुआ, मार हंस क्यों रहे हो? बस वैसे ही हंस रहे थे, बाहर बैठे रहे इसलिए हंस रहे हैं। अच्छा बाहर बैठे, ये जगह बनाई हुई है अम्मी ने, लकड़ियाँ वगैरह रखी हैं, अम्मी लकड़ियाँ काट रही है। अम्मी देखिए लकड़ियों में बिल्कुल घुसी, मैं आगे नहीं जा सकती, बहुत ज़्यादा कांटे हैं, तो अम्मी लकड़ियाँ काट रही है। और भाई राशिद जल्दी काम से वापस आ गए। और ये भाई राशिद आपने काटी हैं ये लकड़ियाँ सारी, ये आपने काटी हैं? नहीं ये तो पक्का झूठ है, ये नहीं हाथों से नहीं तोड़ सकती, इतने ज़्यादा कांटे हैं इसमें, हम तो नहीं तोड़ सकते। ये बोल रहे हैं ये हाथ से काटी, इतना बड़ा कुल्हाड़ा रखा हुआ है फिर क्यों हाथ से काटी है? हमारा आप सुनो, आपकी जॉब कैसी जा रही है? सही जा रही है माशाल्लाह। सही है, पहली वो मिल गई आपको तनख्वाह? हाँ पहली सैलरी मिल गई है। मिल गई सैलरी आपको पहली? तो हमें तो मिठाई खिलाई नहीं, मिठाई बात खिलाएंगे दूसरी पे, खिलाएंगे दूसरी पे, दूसरी पे भी हमें भी बहुत होती है। कौन से क्रीम लगा रहे हो मार? कोई भी लगा रहा है, अल्लाह में वाइज कर। अच्छा पांच वक्त की नमाज पढ़ रहे हो? करंट क्रीम लगा रहे हो? करंट क्रीम लगा रहे हो? अच्छा शीशा क्रीम लगा रहे हैं। शीशा क्रीम, चलो वो तो शीशा समा, अच्छा वो यूज कर रहे हैं, चले सही है। तो अभी जो है हमार काम से अभी वापस है, सिस्टर की तबीयत अभी कुछ बेहतर लग रही है, तो हम घर चलें। इनको यही लकड़ियाँ काटने देते हैं, भाई जो है वो अम्मी की थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं, अम्मी कुछ काट रही है और कुछ इन्होंने काटी हैं लकड़ियाँ, जो शाम को हम आग जलाएंगे। तो अभी जो है फिलहाल हम घर जा रहे हैं। आ जाए सिस्टर हम घर चलें, हमार तो ऐसे ही है बैठा रहेगा, इन्होंने डेरा बनाया हुआ है, मेरा डेरा है जिसकी दीवारें भी नहीं है, डेरा देखो। हम क्या बनाने हैं आज? सब्जी दाल पकानी है। दाल पकानी ले आए हैं बच्चे के, जाएंगे मास की पकाएंगे है? बच्चे ले आए हैं कि जाना है? नहीं बच्चे ले आएंगे। मेडिसिन ले ली है सिस्टर की, इंजेक्शन लगाया, वो बोल रहे थे इसका बीपी थोड़ा सा ना वो लो है, तो फिर इसको कुछ ज्यादा लो है ना हाई है, थोड़ा सा हाई लग रहा था, तो डॉक्टर बोले कुछ मीठा मीठा ठंडा ठंडा खिलाओ, तो वो खिलाया बस। उसके बाद जो अभी इसको घर जाके थोड़ी सी मेडिसिन भी देनी है, इंजेक्शन भी लगाया, कमजोरी की सबसे बड़ी कमजोरी से कमजोरी बहुत काम बड़ा करती है, बैठती नहीं है। हाँ इसको कमजोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर इस डॉक्टर ने बोला कि घर जाके इसे दूध वगैरह भी ठंडा करके पिलाओ। तो अमार का देरे के बारे में आप क्या बोल रही थी अम्मी, क्या है अमार के देरे को? अमार इधर रहता नहीं, काम पे होता है, अमार का कुत्ता है वो इधर बैठा है। अच्छा अमार कुत्ता बैठता है वो देरे पे बैठा होता है। अच्छा अमार का पूछता है तो पीछे भाग पड़ता है, कहता है अमार का पूछो भी नहीं। अच्छा अमार से बड़ा प्यार करता है वो, बोलता है कि मैं अमार के देरे में किसी को घुसने नहीं दूंगा। क्या हो गया अब्दुल्ला, क्यों चीखे मार रहे हो, क्या खा रही हो जन्म? मुझे तो दो, दोनों बहनें भूखी, भाई को दे नहीं रही। अब्दुल्ला और भूखे क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो? हाँ बहना नहीं देती चीजें, पानी पी रहा, खाली गिलास मुंह को लगा रहा। और चुड़ैलो क्यों लड़ रही हो चुड़ैलो? हाँ फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं घर, तो सिस्टर की तबीयत काफ़ी बेहतर है, आइसक्रीम खाने से बड़ी अच्छी हो गई। अभी मैं पंखे में लगाने वाली रस्सी और इसको लगानी उल्टा लटकाने वाली हूँ, उल्टा लटकाने के बाद इसका बीपी सही हो जाएगा, तो फिर इसको उतार लूँगी, पंखा भी ऑन कर दूँगी। सही है सिस्टर? चला दूँ? ठीक है हाँ? आपकी मर्जी, चला दूंगी पंखा, चला दूँ कि ऐसे सिर्फ लटका दूँ? ऐसे लटका दूँ नहीं, वैसे सही सही बताओ, तबियत सही है अभी? हाँ ठीक है बिल्कुल। अभी सिस्टर बोली कि मेरी तबियत बिल्कुल सही है, तो अभी जो है सब्जी अम्मी है वो जैसे बताया कि दाल बनानी है, तो दाल आएगी, तो फिर आज मैं बनाऊँगी दाल, तो पता नहीं कैसे बनेगी दाल, मूँग की दाल मसर की दाल, तो जो है वो अम्मी आज है सौदात है, तो फिर वापसी से। भाभी मेरी तबीयत ठीक थी कि घर पहुंच गए से तो हमने तो कुकार ने मां तो खुद क्यों छुर थी की बस कुछ ये नहीं चाहिए तो ब्राह्मणी बस बाण की तकरीबन तो चूल्हे तो रखनी है, मैं बड़ा देनिया तेरी टाइम ही होते थी कि मेरे जा तू चाय बाड़ी की बस मसाला बना दे दाल ही बनानी दाल ला सना बनानी मैं बड़े सतू बस चाय बना ते उठी है तो मैं से काडे गर्मी च वदी चाय बस कोई गर्मी कहनी तो पर आज बस एक मैं अच्छा मसाला बनाऊं मैं औलाद मिसाला मिसाला बनाएंगे भाभी पहले चाय पी गिनो पहले मिसाला
बढ़ाने पै गए। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं कम करे नहीं है। मैडम को बहुत पसंद है, हमारे बच्चे को बड़ी पसंद है ये दाल बच्चा, और वो ना इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे को बहुत पसंद है। और इसने दोपहर से कुछ नहीं खाया, इतने कपड़े धोए अंदर चारपाई भरी हुई है, तो उसकी वजह से इसका बीपी जो है ना वो थोड़ा सा ख़राब हो गया। तो अभी जो है इसको ये बना के खिलाते ताकि इसको थोड़ी सी ताकत है और इसकी तबीयत सही होगी। और ऐसे बोल रही है कि तबीयत सही है, तो मैं मसाला बना लूँ, दाल बनाऊँगी, चाय पी लूँ। तो बस ये था हमारा आज का व्लॉग, मिलेंगे नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।